हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। हम अक्सर प्रेम, ईर्ष्या और दिल टूटने की कहानियां सुनते हैं, लेकिन कुछ कहानियां केवल किस्से नहीं होते। वे कहानियां उन लोगों के जीवन पर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं और वो छाप एक प्रकार के घाव के रूप में उभर कर सामने आती है। दे बिकम स्कर्स इम्प्रिंटेड ऑन द लाइव्स ऑफ दोज हु लेफ्ट बिहाइंड। एरी एंडरसन उन चमकदार सितारों में से एक थी जो हमेशा दूसरों को प्रेरित करती थी। न्यूयॉर्क के ब्रिसबेन में जन्मी वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसे हर कोई पसंद करता था। जीवन जुनून और सपनों से भरी हुई। विंगमटन विश्वविद्यालय में 22 वर्षीय नर्सिंग की छात्रा हेली के पास सब कुछ सही दिशा में था। वो स्नातक होने वाली थी, उनके पास एक जॉब पहले से ही तय थी और उनका भविष्य उनकी मुस्कान की तरह ही उज्जवल नजर आ रहा था। लेकिन जीवन के पास उन सपनों को दुस्सपन में बदलने का एक तरीका होता है। ये मार्च 2018 का समय था जब ग्रेजुएशन से केवल 2 महीने पहले हेली कैंपस के बाहर आ रही थी एंड आफ्टर दैट एक कॉफी शॉप में काम कर रही थी और अपने अध्ययन और दोस्तों के बीच रिश्ता बना रही थी। लेकिन इसके अलावा कुछ और था, कोई और था। ऑरलैंडो एनरिक टॉर्सिनो मोरेनो एक सहपाठी नर्सिंग स्टूडेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले दृष्टि मतलब ग्लांस में मासूम प्रतीत होता था, दयालु, फनी और हमेशा हंसने के लिए तैयार। लेकिन इस गहरी मुखौटे के पीछे कुछ बहुत ही गहरा और अंधेरा छिपा हुआ था। एली एंड ऑरलैंडो हैड अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। दे वर ऑन अगेन ऑफ अगेन, अ सिचुएशन मेनी ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड और सीन बिफोर। लेकिन ये स्थिति अलग थी। ऑरलैंडो बिकम पॉजिटिव ऑब्सेसिव एवन बेसिकली हेली की जिंदगी विषाक्तपूर्ण बना दिया। उसने उसके हर गतिविधि पर नजर रखी, उसके हर बात का ध्यान रखा और जब उसने मतलब हेली आगे बढ़ने की कोशिश की, आगे बढ़ने मतलब ये ब्रेकअप करने की कोशिश की, तो वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक रात एक पार्टी के बाद हालात ने एक नया मोड़ लिया। हेली के कार के टायर को किसी ने लीक कर दिया और सभी को पता था कि ये किसने किया, लेकिन हेली, दयालु हेली ने कोई मामला दर्ज नहीं करवाया। उसने उसकी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहा, भले ही वो उसकी जिंदगी को खतरे में डाल रहा था। और फिर वो रात आई, वो रात थी जब हेली सुबह कभी देख नहीं पाई। वो ऑरलैंडो के पास गई, शायद दया के कारण, शायद किसी पुरानी भावना के चलते। हम कभी नहीं जान पाए कि वास्तव में इसका कारण क्या था, लेकिन ये निश्चित है कि ऑरलैंडो जो जलन और जुनून से पीड़ित था, उसने उसकी जान ले ली। उसके दोस्तों को तब पता चला कि कुछ गलत है जब वे उसे संपर्क नहीं कर पाए। सोचिए, जब आपकी फोन कॉल का कोई जवाब नहीं मिलता और आपका मित्र जो हमेशा फोन उठाते हैं उसे मतलब फोन को नहीं उठाते, तो उस समय का डर और भी गहराई से उतरने वाला एहसास होता है और एक गंभीर संकट महसूस होता है। उन्होंने उसके फोन या मोबाइल का पता लगाकर उसे ऑरलैंडो के अपार्टमेंट में ढूंढा और जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया, उन्होंने उसे पाया एक निर्जीव शरीर। हेली चली गई। They found her lifeless and gone। ऑरलैंडो ने यहीं पर रुकने का निर्णय नहीं लिया, नहीं नहीं, उसने अपने किए गए कार्य से भागने की कोशिश की। वो न्याय से बचने के लिए निकारागुआ की ओर भागा, ये सोचते हुए कि वो अपने अपराध से बच सकता है। लेकिन वो उस अपराध बोध से नहीं भाग सका जो उसके मन में था। उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया, अपने पीछे नोट्स और कन्फेशन छोड़ते हुए, लेकिन इस प्रयास में भी वो असफल रहा। यू कैन रन फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन रन फ्रॉम लॉ, फ्रॉम योर पास्ट, इवन फ्रॉम द पीपल हु लव यू, बट देयर इज वन थिंग दैट यू कैनॉट एस्केप, गिल्ट। ऑरलैंडो ने प्रयास किया हेली के साथ जो उसने किया, ईर्ष्या के एक क्षण में उसकी जान लेना, उसके बाद वो भाग गया, सीमाओं और महासागरों को पार करते हुए भागा। लेकिन वो उस बोझ से नहीं भाग सका जो उसके सीने पर दबाव डाल रहा था, उस सत्य से जो उसके मन में चल रहा था। आप देखिए, अपराध बोध ये आपसे छिपक जाता है, ये आपको अंदर ही अंदर खाता है। उसने सोचा कि वो कुछ निराशाजनक शब्दों के माध्यम से इसे चुप करा सकता है, अपने परिवार के लिए एक नोट और एक ऐसा माफी जो कभी माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन उस अंतिम क्षण में भी वो असफल रहा। एंड हियर्स द थिंग अबाउट गिल्ट, It doesn't go away with a plane ticket or an apology. It's a shadow that follows you no matter how far you run. और हाँ, अपराध बोध के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, ये ना तो हवाई टिकट से दूर होता है
और ना ही एक माफी से। ये एक छाया की तराज है जो आपके पीछे चलती है, चाहे आप कितने भी दूर क्यों ना भागे। लेकिन ये कहानी उसके बारे में नहीं है, ये हैली के बारे में है, उसकी रोशनी, उसकी दया और उसके सपने जो बहुत जल्दी छीन ली गई। सो मे बी जस्ट मे बी द रियल लेसन हियर इज दैट द ओनली थिंग होस्ट इन द रनिंग फ्रॉम गिल्ट, उसी में बुरा है उसके साथ जीने की कोशिश करना। आप सोच सकते हैं कि वहीं पर कहानी समाप्त होती है, न्याय जल्दी से मिल जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो एक अंतरराष्ट्रीय दुस्सप्न की शुरुआत हुई। यूएस ही चाहता था कि ओलैंडो को वापस लाया जाए ताकि वो अपने कार्य के परिणाम का सामना कर सके, लेकिन निकाराग्वा ने उसे प्रत्यापित मतलब एक्सट्रैडिट करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने उसे वहां एक अपराध के लिए न्यायालय में पेश किया जो हजारों माइल दूर हुआ था। कल्पना कीजिए कि हैली के परिवार के लिए ये कितना कठिन होगा, दूर से देखना कि आपकी बेटी के हत्यारे एक मुकदमा एक अजनबी विदेशी भूमि में एक अनजान भाषा में और एक विदेशी कानून के तहत चल रहा है। फिर भी उन्होंने उम्मीद को थामे रखा क्योंकि कभी कभी यही एकमात्र चीज होती है जो आपके पास बचती है। ओलैंडो को हत्या के लिए नहीं बल्कि फोमिसाइड के आरोप में दोषी ठहराया गया जो कि अमेरिका में तो अस्तित्व में नहीं है। उसे 30 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन एक खोई हुई जिंदगी के मुकाबले 30 साल की सजा का क्या महत्व है। हैली के परिवार को कभी भी उसे वापस नहीं मिलेगी, वे कभी नहीं देख पाएंगे कि वो स्नातक की डिग्री प्राप्त करती है, ना ही उसे उस जीवन में जीते हुए देख पाएंगे जिसके उसने सपना देखा था। लेकिन वह आगे बढ़ सके ये जानते हुए कि कम से कम किसी न किसी रूप में न्याय की प्राप्ति हुई है। हैली की कहानियां केवल कहानियां नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रेम कभी कभी अंधेरे की ओर मोड़ ले सकता है, कि जुनून दुर्घटना की ओर ले जा सकता है, लेकिन ये भी कि सबसे अंधेरे क्षण में भी हमें आशा, न्याय और एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखना चाहिए। और हैली, जहां भी तुम हो, तुम्हारी रोशनी अभी भी चमकती है तुम्हारे परिवार की यादों में, तुम्हारे दोस्त के दिल में और उन सभी की आवाजों में जो तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ दिस स्टोरी मूव्ड यू, इफ इट मेड यू थिंक, शेयर इट। लेट्स कीप हैलीज मेमोरी अलाइव एंड लेट्स मेक श्योर स्टोरी लाइक हर्स आर नेवर फॉरगॉटन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय।